और रंजा का असाइनमेंट यहाँ तक ही था। तो आज थोड़ी देर में मेरा गुवाहाटी के लिए ट्रेन है और फिर आज रात 11:30 बजे का सिलचर के लिए। हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी मैं रेलवे स्टेशन के काउंटर में जा रहा हूँ, टिकट काउंटर में, यहाँ से टिकट काटना है गुवाहाटी के लिए। तो अभी पता नहीं ट्रेन कितने बजे आएगा, दिखा तो रहा है कि 5:30 बजे तक आ जाना चाहिए। तो अभी काउंटर में जा रहा हूँ टिकट काटने की, तो थोड़ी देर में ट्रेन है मेरा। गुवाहाटी किमान? 30। कितने बजे का ट्रेन है? 10:16 छोड़ा ना। रेलवे स्टेशन का फैन देखिए इतना बड़ा है। गुवाहाटी के लिए अभी कौन सा ट्रेन है और कहाँ पे आएगा? कौन से महल लगेगा आके? 6 बजे आएगा ना? ठीक, टिकट ले लिया है। फिर इंक्वायरी में पूछा तो बोला कि ट्रेन अभी भी 1 घंटा लेट है। और ऐसे अकेले ट्रेवल करने में एक ही दिक्कत है कि 5 मिनट भी आपको ट्रेन के लिए वेट करना पड़े, वो भी आपको लगेगा कि वो 3-4 घंटा तो वेट करना पड़ता है। 1 घंटे के बाद गाड़ी का अनाउंसमेंट हो गया और दो नंबर प्लेटफॉर्म में गाड़ी लग रही है, वहाँ पे जा रहे हैं। ट्रेन आ चुका था और ट्रेन चढ़ भी चुका हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेशन मेरा गुवाहाटी है, गुवाहाटी से फिर वापस सिलचर का ट्रेन है रात का। चलिए ट्रेन चालू हो जाए, इसके बाद आपसे बात करते हैं। घंटे के जाने के बाद भी गुवाहाटी पहुंच गया हूँ। रात 11 बजे को मेरा ट्रेन है। तो अभी गुवाहाटी पहुंच के थोड़ा स्टेशन के बाहर जा रहा हूँ क्योंकि रात 11 बजे के बाद मेरा ट्रेन है। तो इतना देर क्या करूँ, तो सोच के अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा घूम के फिर गुवाहाटी। अभी बाहर से थोड़ा घूम फिर के आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सोचा यहाँ पे वेटिंग रूम में जाकर वेट करूँ। और ये रहा मेरा सिलचर गुवाहाटी ट्रेन, ये थोड़ी देर बाद ही चल पड़ेगा 11:50।
5 को इसका टाइम है। चढ़ चुका हूँ और थोड़ी देर में ट्रेन छोड़ देगा। और भाई साहब बहुत जोर से नींद आ रहा है, अभी तो मैं सो जाऊँगा। हाँ, आप लोगों से मिलता हूँ कल सुबह। गुड नाइट। जैसे सुबह सुबह आँख खोला तो मुझे लगा कि मैं किसी हॉस्पिटल के मॉर्ग में हूँ जहाँ पे लाश रखते हैं। चारों तरफ बस सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए लोग ऐसे सो रहे थे, जैसे लगा कि लाश रखा हुआ है।